अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदेद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासर। डांसिंग प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ मामलात और मसाइल के हवाले से गुफ्तगू की जाती है। अवामी नौइयत के मामलात और मसाइल के ऊपर अमूमन प्रोग्राम में गुफ्तगू ज़्यादा की जाती है। साल नौ का आगाज़ हो चुका है और इसके साथ साथ मसाइल जो कि तू हैं, बल्कि यूँ कहिए कि इसमें इजाफा होता चला जा रहा है। और बड़ा अहम सवाल अब ये पैदा होता है कि ये जो साल है ये पाकिस्तान में समझा ये जा रहा है कि आम इंतखाबात का साल है, और जितने भी एक आम आदमी के मसाइल हैं किसी भी नौइयत के हों, बराए रास्त ताल्लुक ये बताया जाता है कि इन्हीं आम इंतखाबात से जुड़ा है, यानी कि इससे जो भी हुकूमत हमारे वजूद में आएगी वो वाक़ेतन इन मसाइल को हल करेगी और इससे फिर जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। ना हम मसाइल हल होते हैं या नहीं होते इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। माजी करीब में जो मिसालें हमें मिलती हैं, ज़्यादा पुरानी हमारी क्योंकि तारीख नहीं है, जितने भी हुकूमतें आईं कभी भी उनकी तरजीहात में ये चीज़ शामिल नहीं रही कि आवाम के जो सतही मसाइल हैं उनको हल किया जाए। बड़ी तकलीफ़ के साथ ये बात कहनी पड़ेगी कि कोई भी जमहूरी हुकूमत गो के अपना जो मुद्दत है वो पूरी नहीं कर पाई, उसके बावजूद भी किसी मौके पर ऐसा महसूस नहीं हुआ। हमेशा ये बात दोहराई जाती है कि हमें पूरी तरह से मौका नहीं मिला। पूरी तरह से अगर मौका शायद मिल भी जाता, अगर मैसर आ भी जाता, तो ख्याल यही है, इसका हिसाब लगाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है कि आम आदमी की ज़िंदगी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना था और ना ही मसाइल हल होने थे। हर बार यही उज़र पेश किया गया। इससे पहले भी जो 3-3.5 साल एक हुकूमत आई उसका भी ख्याल यही था कि अगर मौका मिलता तो शायद कुछ ना कुछ कर जाते पूरा, और अगर पूरा नहीं भी कर पाते तो ये कहा जाता कि अगली दफ़ा जब मौका मिलेगा तो ज़रूर इसको पूरा कर दिया जाएगा। यही सारी रस्मी बातें हैं, रस्मी जुमले हैं जो अदा किए जाते हैं। बहरहाल इसके ऊपर बात की जाएगी। मेहमान स्टूडियोज में तशरीफ़ फरमा है नासिर रियाज साहब, हमारे साथ प्रोग्राम्स में आप उन्हें देखते हैं, बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं। मुल्क के मौशी मसाइल हों, सियासी सूरत हाल हो या दीगर मसाइल हों, इसके ऊपर हमेशा बात करते हैं, बड़ी खुलकर गुफ्तगू करते हैं। नासिर रियाज साहब को खुश आमदीद कहता हूँ। नासिर भाई बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी नवाजिश, माफ़ कीजिए। उनके हमरा तशरीफ़ फरमाए जनाब सैयद शहजाद रज़ा साहब, एक समाजी कारकुन हैं और बड़े करीब से मसाइल को देखते हैं, शब रोज़ कोशिश करते हैं इन मसाइल को हल करने के लिए, और बिलखसूस एक गरीब आदमी के, एक आम आदमी के, गरीब तो अब सारे ही हो चुके हैं, उनको हल करने की कोशिश कर रहे हैं बड़ी देर से। सैयद शहजाद रज़ा साहब, उनको खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया शहजाद भाई प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नासिर भाई, साल तो बदल गया, कैलेंडर के ऊपर डेट तब्दील हो गई, पूरी दुनिया में जहाँ पे हम देखते हैं जिनकी मिसालें देते हैं सुबह से लेकर शाम तक, नए साल के साथ नज़र आता है, हर गुजरते साल के साथ एक संग मील है जो वो बूर करते हैं, कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, कुछ नई चीज़ें दरियाफ्त करते हैं, कुछ नए मामलात होते हैं, कुछ नई चीज़ें मुतारफ़ करवाई जाती हैं, लेकिन यहाँ सूरत हाल हर दफ़ा मुख्तलिफ नज़र आती है। हर गुजरते साल के साथ हमारी परेशानियों में मज़ीद इजाफा होता चला जा रहा है, कई दहाइयों से यह सिलसिला जारी है। बेचारे बड़े कोशिश करते हैं, इसको जोश व खरोश से मनाते भी हैं, बड़े इस्तकबाल भी करते हैं, और न जाने क्या कुछ होता है, अपने लोगों को गोलियां भी मार देते हैं खुशी में, अजीब लोग हैं। लेकिन उसके बावजूद मसाइल कभी ख़त्म नहीं होते और उम्मीद लगाए बैठे होते हैं कि ये वही लोग जो 40-40 साल से इनके ऊपर मुसल्लत हैं वो अब के अगर उनको मौका मिलेगा तो मसाइल हल कर लेंगे। मेरा सवाल आपसे ही कि वाकईतन ऐसा है, जैसे मैंने कहा कि अगर आपकी डायरेक्शन सही है तो वो तो शुरू दिन में ही नज़र आ जाएगी कि आप क्या कुछ कर सकते हैं, पूरे 5 साल मुकम्मल कर लेते तो ना जाने क्या कर देते थे, इसको शायद अमरीका तक पहुंचा देते या चांद तक ले जाते, क्या कुछ ऐसा है वाकईतन, ज़रा फरमाइएगा, मैं चाहूँगा इस पर गुफ्तगू करें। जी बहुत बहुत शुक्रिया यासर भाई, आपने मदु किया, अच्छे आपके ख्याल माशाल्लाह, उसमें हमें भी काफ़ी फ़ायदा होता है। बात यह है कि साल बदला और हम जो आगे देखते हैं, लोग कौमें देखती हैं हम इस साल ये अचीवमेंट करेंगे, अपने टारगेट्स डिफाइन करते हैं जी। किस तरह बढ़ना है, कौम को लेके किस तरह बढ़ना है। अभी मैं देख रहा था
इमारत का जो है यूएई का पासपोर्ट जी नंबर वन पासपोर्ट है जी दुनिया जी में, बिल्कुल उन्होंने सही, आपने और बिल्कुल सही मजीद प्लानिंग की है और कुछ किया है, फलाह बहबूद के प्रोजेक्ट्स हैं, आगे बढ़ने के प्रोजेक्ट्स हैं, हमारे यहाँ कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई अभी तक कोई प्रोजेक्ट। हमारा जो प्रोजेक्ट है वो ये है कि हमने 6 अरब डॉलर का हम शॉर्टफॉल में, और ये कर्ज़ा किस तरह 6 अरब डॉलर को हम पूरा करेंगे, चूंकि 24 अरब डॉलर एक्चुअली देना है, लेकिन उसमें बाकी की कुछ प्लानिंग तो बाद में है, ये फौरी तौर पे जो 6 अरब डॉलर देना है ये ज़रा मुश्किल हो रहा है इनको। हमें ये प्रॉब्लम है, हमें ये प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ गैस किस तरह सप्लाई लाइन पूरी होगी, बिजली पूरी नहीं हो रही है इस वक्त, पूरे आधे जो है मतलब मुल्क में बिजली जो है वो एक एक घंटे की लोड शेडिंग में चल रहा है सारा सिस्टम। तो हमारे जो है मामला दूसरे हैं। फिर हमारा एक और टारगेट है कि इलेक्शन हो जाए किसी तरह से। अच्छा, उस इलेक्शन को करवाने के लिए जो कहानियां चल रही हैं सारी वो, अब ये अच्छा इलेक्शन हो के हम क्या आप समझते हैं सुख का सांस लेंगे? पहले तो इलेक्शन तक सुख का सांस नहीं मिलेगा क्योंकि काफ़ी पॉलिटिकल अनरेस्ट मैं देख रहा हूँ इसमें। उसके बिल्कुल बाद सही, इलेक्शन होने के बाद भी सुख का सांस इसलिए नहीं कि हमारे यहाँ दो चीज़ें, एक दुनियावी है और एक मजहबी भी हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा बिल्कुल है, सही, और वो है ऑब्वियसली। अब उसके साथ ही इलेक्शन के साथ ही अगले महीने रमज़ान हो जाएगा, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी रमज़ान में कम हो जाती है, ठीक है, फिर वो उमरा और वो सारे मामला और वो सारा उस तरह से ऐसा ही ये हो जाता है, तो आखिरी एशियर में तो बिल्कुल इकोनॉमिक एक्टिविटी ख़त्म। तो ये जब मार्च के बाद अप्रैल आ जाएगा तो ख़त्म वो बिल्कुल ही। अच्छा, उसके बाद जब अप्रैल से आगे बढ़ेंगे तो हम बजट का रोना रोने लग जाएंगे, बजट बनना है, ये होना है, वो होना है, उसकी प्लानिंग बिल्कुल शुरू हो जाएगी सारी हर चीज़ है, और बजट भी जो आएगा वो आपको पता ही क्या आएगा। तो वो कोई प्लानिंग नहीं है, जी कोई समझ नहीं आ रहा कि हमारा ये साल ऐसे ही गुजर जाना है, ये इसी जी तरह से उसी तरह रोते धोते, कोई खास चेंज नहीं देख रहा, कोई आप जैसे कोई समझें कि बड़ा कोई तीर मर जाएगा, कराची बड़ा खूबसूरत हो जाएगा और यहाँ जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत अच्छी होगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन फैल जाएगी, कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं देख रहा। चूँकि इंडस्ट्रियलाइजेशन के हवाले से अगर देखा जाए तो कोई खास पॉलिसी नहीं आ रही नहीं है नहीं इधर उधर, कोई वो SEZ तो बना रहे लेकिन उसमें कोई फ़ायदा नहीं आ रहा नहीं उसमें, बिल्कुल भी नहीं, एग्जिस्टिंग जो चूँकि आपके जोन्स हैं उसका जी क्या आशा उसका रखेंगे। हशर। हालांकि कुछ ये रेवेन्यू मिनिस्टर काम कर रहे हैं उसके ऊपर काफ़ी, कि उसको जो उसमें कब्जे का इशू है या डबल ओवरलैपिंग जो उसमें हो जी जाती है, जो जी मोटेशंस वगैरह उसके ऊपर काफ़ी काम ये कर रहे हैं कि उसको कंप्यूटराइज किया है, सारा कुछ किया है, लेकिन एनीवे वो एक अलग चीज़ है। लेकिन आप उसको करने के बाद भी जो SEZ जो है वो 10 ईयर्स हॉलीडे दे रहे हैं, एग्जिस्टिंग जोन्स जो है वो 10 ईयर्स इनकम टैक्स हॉलीडे नहीं दे रहे, तो वो फिर एक मतलब डिस्पैरिटी है बिल्कुल डिस्पैरिटी रहेगी और उसमें लोग इन्वेस्टमेंट करते हुए घबराएंगे कि भाई अगर मैं यहाँ पर ले लूँ जी किसी आम इंडस्ट्रियल जोन में तो मुझे तो 10 साल का आपको इनकम टैक्स भी देना पड़ जाएगा, कस्टम ड्यूटी भी देनी पड़ जाएगी, SEZ में जाए तो वो नहीं देनी पड़ेगी वहाँ, लेकिन रेट बहुत ज़्यादा है प्रॉपर्टी के, वहाँ जो प्राइस जो है वो पर एकड़ प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा है, फिर उसकी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन भी ज़्यादा है बहुत जी ज़्यादा। तो ये सारी चीज़ें देखें, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन चाइना में हुई तो उन्होंने फ्री ज़मीनें दी बिल्कुल ऐसा ही, और उन्होंने लेके आगे बढ़े के भाई करो, कॉस्ट को इलेक्ट्रिक को कम बहुत किया, कम बिजली को किया, फ्री किया, बिजली उसके फ्री बाद फिर जी टैक्स एग्जम्पशंस मिले, टैक्स बिल्कुल टैक्स आपने सही एग्जम्पशन कहा। दी, आप ये ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स, ज़्यादा ज़्यादा बिजली महंगी, ज़्यादा गैस महंगी, फिर होती भी नहीं है होती भी गैस, नहीं है, पानी अवेलेबिलिटी नहीं है, किस तरह सोर्स कर करके, जैसे अभी भाई भी बता रहे थे कि मुश्किल से हाँ पानी आ रहा है, इसके बाद आप सोचें कि आप कोई बहुत कारनामा सर अंजाम दे सिक्योरिटी भी देंगे, नहीं है, आप बाहर और निकले आपके साथ वारदात हो जाएगी। अच्छा वारदात, लॉ एंड ऑर्डर आपका बहुत ही मखदूश हालत में है, और आपका जो यूटिलिटी सिस्टम, रोड नेटवर्क्स वगैरह सब टूटा फूटा है। अभी कोई मुझे कल परसों बैठे थे Site 2 का बता रहा था कि वहाँ हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, अब वहाँ जाना मुश्किल हो गया है, जाओ तो आओ तो उसमें लूट लाटने का सिस्टम बहुत ज़्यादा हो चुका है, जी शराब घोट के भी हालात आगे से गड़बड़। कहने का मतलब है, मैं कराची के हवाले से बात करूँगा, मैं पूरे मुल्क की, कराची बैकबोन है, कराची में लोग तो यहाँ हमें हालात अच्छे चाहिए, कराची में जी लोग समझते नहीं है, यहाँ अगर अभी कोई स्ट्राइक हो जाए, कंटेनर रुक जाए, टैंकर रुक जाए यहाँ पर, तो लाहौर मानसेरा में भी पेट्रोल नहीं मिलेगा, जी वहाँ ऐसा पर ही, भी मुश्किल हो जाएगी। तो ये इसको तो इनको बिल्कुल ऐसा बनाना चाहिए कराची को कि बिल्कुल स्विफ्ट तरीके से यहाँ से सारी चीज़ें ट्रांसपोर्ट हो रही हो, लेकिन कराची का क्या हाल कर दिया, क्या है? और कोई, मैंने जैसे आपको अर्ज किया कि कोई पॉलिसी कोई सामने नज़र नहीं आ रहा मुझे, देखो ठीक है, बिल्कुल कोई नहीं नज़र पॉलिसी आ रहा नहीं है, बिल्कुल सही। इसमें। मैं अब थोड़ा सा अभी परेशानी सी होती है इस बात पर कि वॉट इज़ दिस, हालांकि मैं नेगेटिव बात नहीं करता लेकिन बिल्कुल ऐसा ही, मुझे थोड़ी सी अब कोई टेंशन हो रही डायरेक्शन है, लेस है, बिल्कुल ऐसा चाहे ही। अरबाब इख्तियार अगर कोई सुन रहा हो तो वो इसको देखे समझे कि कोई पॉलिसी बनाए, फ्रेमवर्क बनाए ताकि इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़े। कभी अगर भी आप नहीं, कहते हैं कि सोसाइटियाँ नहीं बनानी तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की पॉलिसी तो लेके आए। नहीं आपने बिल्कुल सही कहा कि डायरेक्शन लेस है, बल्कि आप इससे अंदाजा लगाइए कि जो 15 साल हुकूमत यहाँ पर करके गए और दोबारा वापसी के लिए परतोल रहे हैं, आज भी उनके पास कोई प्लान नहीं है।
आज भी कोई डायरेक्शन नहीं है। पहले ये कहते थे शहरी इलाकों से अगर मुंतखब हो जाएंगे तो ये कर देंगे, अभी मेयर कराची बैठे हुए, कराची की जो हालत है वो आपके सामने है, तो कुछ नहीं करना। हमें पहले ही पता था इस बात में, कराची के लोगों को पहले ही इस बारे में इल्म था कि जो कुछ हो रहा है उसका यही नतीजा निकलना। शहजाद भाई आपकी तरफ आता हूँ, अब आपका तो बराह रास्त ताल्लुक एक आम आदमी से ही है, आप उसके लिए काम कर रहे हैं। मैं हमेशा आपसे पूछता हूँ क्योंकि आप माशाल्लाह बहुत सारे दस्तरखान और दीगर मामलों पर काम कर रहे हैं, लोगों की तादाद में इजाफा ही होता चला जा रहा है, अगर ये सब कुछ ठीक हो रहा होता तो यकीनन आपके पास कमी आती। क्या ऐसा कुछ हुआ 2023 के अंदर, क्या सूरत हाल रही, जरा फरमाइए तो सही। 2023 के अंदर जो पहले 400-500 एक दस्तरखान पे तादाद थी वो मेरे ख्याल से 2 से 3 हज़ार पे चले गई है, और जैसे भाई ने निशानदेही की है तमाम चीज़ों पे। देखो इंडस्ट्रीज जितनी तबाह हो रही है ना, वो टैक्स देने को तैयार हैं, वो बोले हमें वाटर की सप्लाई दो जी, ठीक है हम उसके अंदर आपको पैसे देने को तैयार हैं, कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन हमारे इदारे क्या कर रहे हैं, हमारे इदारे किसी और तरीके से उनको देने की कोशिश कर रहे हैं। जो पैसा जाना चाहिए वाटर बोर्ड को, जो पैसा चाहिए के को, जो पैसा स्विंगेस को जाना चाहिए, वो पैसा जा रहा है ठेकेदारों को। बिल्कुल ऐसा ही है। तो जब ठेकेदारों की जेबें भरी जाएंगी और जो तमाम इदारों के एम्प्लॉयज हैं इनके जो है ठेके भरे जाएंगे, उसके बाद ही कुछ होगा। बिल्कुल आप देखें बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं वो आपको मना नहीं कर रही हैं, लेकिन आप उसको वाटर दे रही हैं किसी तीसरे जराए के जरिए, तो फिर आपको तो इदारे को तबाह होना है। बिल्कुल ऐसा अच्छा ही है। फिर उसके बाद आप ऑपरेशन करते हैं, तो आप ऑपरेशन करने के बाद जो सड़कें हमारी बनती नहीं है जी, कहीं 20 साल में 30 साल में कोई एक सड़क बन जाए तो जो पीने का पानी लोगों को बिल देने के बाद नहीं है, वो सड़कों पे आम सड़कों पे ऐसा फैला हुआ है कि आप जो है सड़कें भी तबाह हो रही हैं, ना आप चला उस पर गाड़ी चला सकते हैं, ना जा सकते हैं, या फिर ऐसा है कि सीधे गाड़ी आ रही है, अब मैं कह लो कि कराची जो है पूरे जो है मुल्क की एक सप्लाई है, मतलब और भी बहुत सारे मुल्कों को सप्लाई यहाँ से जा रही है, तो वो जो ट्राला है जो तकरीबन जो है 2 से 3 करोड़ पे गए, उसमें कई करोड़ का सामान है, वो बेचारा जाते जाते किसी गड्ढे में ऐसे गिर जाता है। तो यार अगर यह हम कहाँ की तरफ जा रहे हैं, आप कैसे सोच सकते हो कि हम तरक्की की तरफ जाएंगे, भाई जा ही नहीं सकते, मुमकिन नहीं, आपकी कोई पॉलिसी नहीं है। अच्छा बहुत बातें हो रही थी कि आज तक जो है हमें मैंडेट नहीं मिला, मेयर हमारा जाएगा, ऐसा होगा। अच्छा अब वो किस तरफ जा रहे हैं, वो जितने भी मैंने टाउन नाजिम देखे हैं, यूसी नाजिम देखे हैं, वो बोले रिकवरी कैसे करें। अच्छा रिकवरी किससे करें, आम आदमी से। अच्छा हमारे पास सबसे बड़ा मसला है बेरोजगारी का जी। और सोचते हैं कि यार इसको बेरोजगार कैसे करें आम आदमी को, लोगों के पास खाने को नहीं है। ऐसा ही आप जब भी मेयर आता है या टाउन आते हैं तो वो आम आदमी से डायरेक्ट होते हैं, बिल्कुल ठीक है। आम आदमी सोचता है कि यार अब मैं इसके साथ जा सकता हूँ, हम हमारे जो MLA हैं से MPS हैं, हम इनसे नहीं मिल सकते, कोऑर्डिनेटर से भी नहीं मिल सकते, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जब काउंसलर आएगा या यूसी नाजिम आएगा तो बराह रास्त जो है हमारे गली मोहल्ले का, हम इससे जाके मिल लेंगे। लेकिन उसकी सोच क्या है कि यार मैं जैसे ही आऊँगा तो सबसे पहले इसकी सीढ़ी उड़ाऊंगा, इसका चबूतरा उड़ाऊंगा। ऐसा ही है, उड़ाएगा कुछ भी नहीं, बिल्कुल सही है। लेकिन वो छपड़े का बहाना बना के मशीन लाके उससे रिकवरी करेगा, रिकवरी करेगा। तो जब हमारी सोचे ये होंगी तो हम आगे कैसे जाएंगे। वो ये नहीं सोच रहा कि यार ये मैं छपड़ा है, इसका छपड़े के नए मैं इससे बात कर लूँ कि यार ये छपड़े से जो तू आमदनी है इसमें कोई एक चालान दे दे छोटा मोटा सा, बिल्कुल सही है, मैं रिकवरी करूँ, तो मैं रिकवरी अपने इदारे की नहीं करूँ या अपने शेयर पे लगाने की नहीं करूँ, तो वो रिकवरी कर रहा अपनी जेब भरने के लिए। देख भाई ऐसा हो सकता है, आ जाए शराफत से यहाँ पर लाइन में, बिल्कुल आपने सही कहा। तो भाई जब हम इस तरफ जाएंगे यासिर भाई, तो फिर दस्तखानों पे लाइनें लगेंगी, अच्छी सोच नहीं रख सकते फिर हम। बिल्कुल आपने सही निशानदेही की कि यही मसला है, बिल्कुल आपने सही कहा, और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, बड़ी अजीब बात है, ये तो सबको पता है, जबान ज़द आम है, सब कुछ हम देखते आए हैं, वो हो रहा है, काम करने वाले लोग काम कर लेते हैं। मैं भी देख रहा था मोहसिन नकवी साहब की, मैं मिसाल दे रहा हूँ, मैं इनको काम करते हुए देखता हूँ तो बड़ा मुतासर हूँ मैं उनसे, जिस तरह वो काम कर रहे हैं। काम करने की आपके पास नियत हो, क्या कुछ नहीं हो सकता, उनके पास कौन सा मैंडेट है, लेकिन वो काम जितना उनकी कैपेसिटी है उससे बढ़ के काम कर रहे हैं, वो आपको अभी नजर आ रहा है, आप देखें सुबह से लेकर शाम तक मसरूफ रहते हैं, सिर्फ 2-3 महीने नजर आएगा आपको, बिल्कुल सही बात है। ये थोड़ी सी एडिशन करना चाहूंगा कि जो इस वक्त टैक्स कलेक्टिंग अथॉरिटीज बनी हुई है जो पाकिस्तान में, देखिये हुकूमत का काम जो हम देखते हैं दुनिया भर में, वो
टैक्स कलेक्शन के साथ उनको सर्विसेज प्रोवाइड भी होती है, उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड होती है। कोई अब ये रोज मैं देखता हूँ वो टारगेट अचीव हो गया, इस महीने का भी टारगेट अचीव हो गया, सेल टैक्स का भी टारगेट अचीव हो गया, इनकम टैक्स का भी हो गया, वो टारगेट से भी बढ़ गए, टैक्स ज्यादा मिल रहा है इनको, ज्यादा मिल ये ज्यादा टैक्स कहाँ से मिल रहा है? कराची से मिल रहा है, बिल्कुल सही, और कराची से सारे टारगेट अचीव हो रहे हैं, बिल्कुल। अच्छा, ये बैठे जो FBR में बैठे हैं या जो हाई अथॉरिटी, ये नहीं सोचते कि भाई टैक्स टारगेट तो अचीव किया है तो कुछ फलाव बहबूद भी कर दे, कोई भाई हमने ये रोज नया आइडिया लेके आते हैं, अच्छा इस आइटम पे भी टैक्स लगा दें, इस आइटम पे भी टैक्स लगा दें, इस पे भी कर दें, फलाना यूं कर दें तो और सेल टैक्स आ जाएगा, ठीक है ओके, लेकिन आप उनको फैसिलिटीज भी तो देना, बिल्कुल ऐसा ही, आप ऐसी फैसिलिटीज दें कि वो खुशी खुशी टैक्स देने में फख्र भी महसूस हो। देखें मेरी बात समझें आप, कोई फजूल में कोई पैसा कोई भी नहीं देता, ठीक है, हम ये पाकिस्तानी को हमें जो फजूल में पैसा दे रहे हैं, कोई हमें फैसिलिटी तो मिल रही कुछ भी नहीं, स्पेशली कुछ कराची भी वाले, देखिए अगर हमें पानी देने मिल रहा है तो हम उसका टैक्स देते हैं, खरीद के पीना पड़ता है, बिजली हम उसका टैक्स देते हैं, पैसे देते हैं उसके, आप गाड़ी चलाते हैं रोडों पे उसका भी टैक्स देते हैं, हर चीज का हम टैक्स दे रहे हैं, उसके बावजूद ना फ्री मेडिकल मिल रही है सही तरह से, ना एजुकेशन फ्री मिल रही है, ना सिक्योरिटी फ्री मिल रही है, ना आपको एनवायरमेंट फ्री मिल रहा है, तो आप फलाह बहबूद के लिए दुनिया भर में जो आवाम होती है वो कहते हैं ये हमारी आवाम है, ओन करते हैं लोग, गवर्नमेंट ओन करते हैं, यहाँ ओन नहीं किया जा रहा, तो ये बहुत ही अलमिया हो गया कि कोई अभी भी कोई फलाह बहबूद का कोई मंसूबा या कोई फैसिलिटीज का मंसूबा नहीं किया गया जो आवाम को आवाम इंसान जाए, ऐसे बस रेवड़ चला जा रहा है, बस रोज सुबह पूरी दुनिया में दौरे करते हैं, पूरी दुनिया में दौरे करते हैं, आप दूसरे ममालिक देखें कि बड़ा ममालिक जो है दूसरे ममालिक में जा रहा है अपने से छोटे में, जी, जी, जी। अपने लोगों के रोजगार के लिए, रोजगार के, और हमारे लोग कोशिश कर रहे हैं कि रोजगार बन कैसे करें। आपने इतनी बड़ी इंडस्ट्री लगाई फैसलाबाद के अंदर, छोटी इंडस्ट्री नहीं है, उसके कलेक्शन क्या है बताइए, और जो इंडस्ट्री इतनी बड़ी आपकी आप उसको तबाह कर रहे हैं जी, और मुसलसल जो है बहुत बड़े पैमाने में आप इस पे तो वो देख उस पे आप प्रोग्राम करें तो रोजाना की बुनियाद पे जो है ना कई फैक्ट्रियां बंद की तरफ जा रही हैं, कर ही नहीं सकते ऐसे ही, उनको इतना तंग किया जा रहा है, काम करने ही नहीं दे रहे यार, बिल्कुल ऐसे ही। आप क्या पॉलिसी लेके आए, आपकी सोच प्लान क्या है? अच्छा, अब इसमें मैं एक थोड़ा सा एडिशन ये करता हूँ, जिस तरह आपने फरमाया कि जो अभी जो केयर टेकर सिस्टम है चाहे वो पंजाब में, देखिए पुराना हमें 4-5 साल या पहले का हमें प्रॉब्लम्स फेस हो रहे हैं, लेकिन जो केयर टेकर सिस्टम भी काम कर रहा है, आपने भी काम होते हुए देखा है, मैं भी देख रहा हूँ, अपनी आंखों से देख रहा हूँ, और कई ऐसे जो गलत किस्म के काम थे उनको रोका भी गया है और उसमें बेहतरी की तरफ भी काम किया, लेकिन ये 2-3 महीने बहुत थोड़े हैं, बहुत कम है 2-3 महीने जिसमें इतना ज्यादा जो बिगाड़ था वो सही होना बहुत मुश्किल है, तो लेकिन फिर भी बहुत अचीवमेंट हुई है, कंप्यूटराइजेशन हो रही है, सारा कुछ हर चीज हो रही है, बेहतर तरीके से इसको किया जा रहा है, और फिर दूसरी जो नजर आ रहा है कि कोई करप्शन का मेगा स्कैंडल कुछ सामने नहीं आ रहा कि वो इतना, ये लोग सही तरह से जो बैठे हुए हैं लोग काम करें, तो अगर इनको थोड़ा ज़्यादा टाइम मिल जाता तो ये बेहतर। इसी तरह पंजाब में भी वहाँ इंडस्ट्रीज़ के मिनिस्टर जो हैं या जो जो और भी मिनिस्टर्स वगैरह जो भी है वो भी काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, मेरा ख्याल है KPK में भी हो रहा होगा, यकीनन काम हो रहा होगा, तो वो जो जिस तरह भाई कह रहे हैं वाकई फैसलाबाद में मुश्किल ये हो सारी, लेकिन उसको रिवाइव करने के लिए काम हो रहा है कि किसी तरह से रिवाइव किया जाए, क्योंकि बैकबोन यही है हमारी, एक्सपोर्ट बहुत मेनली टेक्सटाइल एक्सपोर्ट ही है, तो अगर ये बेहतर कुछ थोड़ा सा भी बेहतर हो जाए तो सही, लेकिन जो आगे इलेक्शन और उसमें अनरेस्ट में देख रहा हूँ थोड़ी सी, वो ज़रा मुश्किल नज़र आती है, इसको थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा गवर्नमेंट को कि ये जो जो एस्टेब्लिशमेंट जो भी इस वक्त इधर करता धरते हैं, ताकि ये हमारा मुल्क सही तरह से इस नाजुक वक्त से निकल जाए, निकल जाए, वक्त तो हमेशा जी जी भाई हमेशा से देखो पहले से तजिया निगार जो हैं बहुत सारे लोग जो सोच रखते हैं आदमी से बढ़कर, वो पहले से सोच जो है आपस में बात यही कर रहे होते हैं कि यार निगरा आया कुछ वक्त रिकवरियां करेंगे, बिल्कुल माफिया का बड़ा ग्राहक होगा कुछ अरसे के लिए, हाँ। मुश्किल है देखें हो रहा होता है और हम तो करीब से देख रहे होते हैं, जी जी वो बोल रहे होते हैं यार क्या हो गया पूरी जिंदगी कमाया यार 3 महीने बर्दाश्त कर लो ना, वो बर्दाश्त कर रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं जो ये हमारा जमा हो रहा है ना जितने भी कलेक्शन वो बर्दाश्त कर रहे हैं, नया कुछ भी नहीं है, वेट एंड सी पॉलिसी है, हाँ तो भाई इसको बेहतर कर लो यार, पाकिस्तान है तो सब कुछ है, आप खा भी लोगे जायदाद भी बना लोगे, लेकिन अब एंड की तरफ ले आए आप।
अच्छा किसी सियासी जमात ने अपना मंशूर नहीं दिया अभी तक, मैं उसी कि तरफ हम ये कुछ बेहतरी की तरफ हमारे ये प्लान है, कुछ ये प्लान है ना, इधर की लोकल जमातों ने ना दीनी जमातों ने ना पॉलिटिकल पार्टी से, के पास नहीं। एक ने एक बड़ी बात की है कि हम 300 यूनिट फ्री कर देंगे बिजली, ये बहुत बड़ा कारनामा, 50 साल से यहाँ पर हुकूमत कर रहे हैं उन्होंने नहीं किया, अब उनको ख्याल है कि 300 यूनिट हम फ्री कर देंगे। 50 साल से यहाँ पर हुकुमरान है वो, उनका खानदान जी, बाप दादा से जो है, नाना दादा बाप दादा से जो चले थे कहाँ पहुँच गए, और ये देखिए आपके वो अब ये बता रहे हैं कि हमारी हुकूमत आएगी, तो भाई जो पहले तुम्हारी हुकूमत रही उन्होंने क्या किया बताइए, तो कोई मंशूर नहीं है सामने। अच्छा? कोई मंशूर नहीं है, कोई रास्ता मुझे नहीं लग रहा। हम देखते हुए आए कि जब जो है बाहर इलेक्शन हो रहे होते हैं तो दो हरीफ होते हैं सामने, बिल्कुल ऐसा ही है, दो हरीफ होते हैं, कोई पार्टियां नहीं होती, वो क्या बता रहे थे अपनी पॉलिसी, मैं आऊंगा तो ये करूंगा, मैं आऊंगा तो ये करूंगा, और हारने वाला उस शिकस्त को तस्लीम करके चला जाता है, और हम कहां लगे हुए यार, बस इसी में रह गए। बल्दियात अबे क्या कितना खर्चा करा बल्दियात ने बताए, आज उनसे पूछे नुमाइंदों से क्या करे, उनसे बात करो, बोले यार मैं अपने घर के आया कचरा नहीं उठा सकता तो मैं आपसे कैसे उठाऊंगा। ऐसा ही है, बिल्कुल यही जवाब मिलता है। बड़े 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 दावे थे जो अभी जो MNA जो अभी रिटायर हुए हैं उनके, कि हमने अपने इलाकों में यूं कर दिया है, हमने ये किया 3 साल में या 4 साल में, क्योंकि यहाँ उन्हीं की हुकूमत थी इस इलाके नहीं, वो कर अपना फार्म हाउस है ना वहाँ तक सड़क बनी है। अच्छा, वहाँ से शहर से वो जो मिलाती है ना सुपर हाईवे से, वो फार्म हाउस तक वो सड़क बनाई है, तो वो उनको बिठा अभी बल्कि मैं समझता हूँ इलेक्शन से पहले उनको फौरी तौर पर बिठाया जाए और उनके सामने मोहल्ले के आवाम को बिठाई जाए, उनको पूछा जाए आपने जो बोला था ये कहाँ किया आपने, इसलिए कि वैसे अवाम जो मतलब पाकिस्तानियों को बताना तो बड़ा आसान है और पाकिस्तानी इंप्रेस भी हो जाते हैं, हाँ यार बड़ा इन्होंने कहा था 50 लाख घर वो देखो बना लिए, तो पूछा जाए किधर गए 50 लाख तुम्हारे घर। अच्छा वो तुम्हारे जो नौकरियां थी 2 करोड़ नौकरियां थी, या जो बाहर से पाकिस्तानी वो जो कामरान ने आना था बाहर से वो कहाँ है, वो क्यों नहीं आया। बिल्कुल ऐसा ही है, बाहर से लोग आ रहे थे नौकरी करने के लिए, बिल्कुल सही आपने कहा, भूल गए शायद, कोई सवाल करने वाला नहीं है, बल्कि जवाब ये देते हैं कि जनाब अगर 5 साल पूरे मिल जाते तो कर लेते, 3 साल के अंदर कुछ नहीं था, बल्कि कुछ भी नहीं था यार, बानी पाकिस्तानों को नहीं मिले, तुम्हें आपको कदर मिले समझ लो, करने वाले तो 3 महीने में भी काम कर रहे हैं, 3 महीने में 3 हफ्ते के अंदर भी काम हो जाता, लेकिन बस यही टोपी ड्रामा था, पहले 90 दिन में काम कर दूंगा सब कुछ ठीक कर दूंगा, फिर ये फरमाने लगे 90 दिन में तो हो नहीं सकता, कम अज कम 6 महीने का टाइम दे दो, 6 महीने के बाद फरमाते हैं कि जनाब 1 साल का टाइम दे दो, 1 साल के बाद वो 1 साल से 2 साल होगा और 3 साल के बाद नहीं, उसके बाद का मेरे पास इख्तियार ही नहीं, मेरे पास इख्तियार नहीं है, ये कोई और चला रहा है, आप फरमाइए। आपको पता है कि हम तमाम लोग हैं कराची से बिलोंग करते हैं, तो एक खास जमात और एक खास जमात के नुमाइंदे जो हैं उनको आपको फैन फॉलोइंग उनकी बहुत ज्यादा है, बिल्कुल ठीक है कराची के अंदर, क्योंकि हालात वाकई ऐसे हैं कि मजबूरन घूम फिर के वो करना मुखालफत के बाद भी करना पड़ जाता है, बिल्कुल सही। तो मामू अभी शादियों में जर्मनी से आए हुए, तो वो एक जो है यहाँ की बड़ी जमात से जो है 45-50 साल से वास्ता रखते हैं, तो बोले मैं भी शेर इस वजह से छोड़ के गया था कि यार तुम लोगों की सोचे ये निकलो उर्दू बोलने वालों में निकलो, तो कराची वो लाड़का ना पेरिस बन गया जी, वो हमें आके समझा रहे नौजवानों को यहाँ पर एक महफिल के अंदर 4 नौजवान बैठे हुए, तो खैर मैंने तो उनसे हंस के एक ही बात की कि मैं भी जो है उसी जमात को थोड़ा सा फॉलो करता हूँ अगर थोड़ा बहुत, ठीक है, लेकिन बात ये है कि ये आप जर्मनी से बैठे बैठे उसको पेरिस बना रहे हैं, आप वहाँ जाके होके आए, और आप वहाँ जाते भी होंगे तो उनके जी जी उन घरों में जाते होंगे जो पेरिस से बढ़कर हैं, बढ़कर हैं, बिल्कुल ऐसा ही है, आप उन घरों में रहते हैं, लेकिन महल बनाए बिल्कुल ठीक है, आप जो है आम आदमी से पूछो कि सुबह निकलता है कि शाम को घर पहुंचेगा, या उसका मोबाइल फोन सेफ होगा, छुपा छुपा के हम फोन यूं छुपा छुपा के रखते हैं, सही है, कमीज के अंदर रखे हैं, ऊपर मार रहे हैं, पैसे जो है ऐसे रखते हैं कि भाई एक कार्ड जो है लेके घर से निकलते हैं जी, कि हमें पता है कि ना पर्स बचेगा ना कुछ बचेगा। अरे लड़का ने लियाकताबाद के आसपास वाली जो जगह पे धूल मट्टी और वो इतना है, बंदा कोई जाए तो बिल्कुल ही कहीं से यार, वो तो कैसे रहे लियाकताबाद वाले, गलियां देखो वो लाइट नहीं होगी तो यार कैसे जी रहे हैं, तो वैसे इन्होंने बराबर कर दिया लियाकताबाद वालों को भी और डिफेंस वालों को भी बिल्कुल, अब सब बराबर है, रोडे अच्छा जो बनाई उन्होंने रोडे अभी आप देखें हफ्ते में उसको दोबारा खोदना शुरू कर दिया है, वो नई लाइनें डलनी शुरू हो गई है। अच्छा ये कमाल हो गया, क्रेडिट जाता है, मैं उनको ये बात कहता हूँ, जिससे पहले यहाँ पे सिंध हुकूमत चला कर गए हैं, उन्होंने ये फैसला किया था कि जो देही इलाके हैं और शहरी इलाकों हैं उसमें फर्क खत्म कर देंगे, बिल्कुल, तो उन्होंने शहरी इलाकों को देही इलाकों में तब्दील कर दिया, फर्क खत्म हो गया, ये तो क्रेडिट मैं उनको देता हूँ कि उन्होंने किया है, कि वो जो शहरी इलाके जो पहले समझे जाते थे
अब वो भी दही इलाके समझे जाते हैं। तो ये जो दही इलाकों की जो महरूमियत थी उनको उन्होंने खत्म कर दिया, पहले वहाँ बिजली नहीं थी, अब शहरी इलाकों में हमें नहीं भी आदि बना दिया, अच्छा फिर वो धूल मट्टी में दूसरी बात होता है, फखर महसूस करते हैं गोट बना, जी 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 यार गोट बना के भी कोई फखर महसूस करती है, माशाल्लाह आप शेर को गोट में लिया है जी, कराची गोट रह गया, गोट रह गया ना कराची, तो बचे कुछ नहीं, गोट ये गोट वो हर एरिया को गोट में मिला देते हैं, मुगल हजारा ये सब मिट्टी मिट्टी हुआ पड़ा है, पूरा शहर मिट्टी में मिट हुआ पड़ा है, बिल्कुल ऐसा अटका पड़ा है मिट्टी से, वो बहुत मेहनत की है इस पे, बहुत काम किया इन्होंने, बहुत काम किया दिन रात, कोई ऐसा अकल नहीं है कोई के भाई रोड बनाने के बाद फौरी तौर पे अगला डिपार्टमेंट आता है उसको खोद के जो नई लाइन डाल रहे हो, कोई स्टैंड बाय होते हैं, कोई कुछ नहीं, भाई जो ठेकेदार लेके आया है वो भूखा नहीं मर जाएगा अगर ये लोग ये काम कर लेंगे, कमाल नहीं हो गया वैसे, कमाल हो गया ये, अच्छा तो आपको देखिए, अच्छा एक रोड सात सात दफा बन रही है, बार बार उसको खोदते जी, 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 फिर बनाते हैं, फिर खोदते हैं, फिर बनाते तो हैं, वहाँ भी ये सिलसिला शुरू हो गया, कमाल है, अल्लाह अल्लाह करके सड़क बनती है, उसके बाद जैसे ही वो सड़क बनती है दूसरे दिन वहाँ खुदाई का काम स्टार्ट हो जाता है, उनको बाद में सेवरी जा जाती है, बाद में जो है ना सब सारी चीजें सब मिल गया, अच्छा तो इस लाइन में सारे ही लग गए, अब इसमें भी शामिल हो गए जो पहले कभी इस लाइन में नहीं थे, बहरहाल क्या किया जा सकता है। नासिर भाई बड़ा शुक्रगुजार आपका हूँ कि आपने वक्त दिया हमें, मुख्तसर वक्त, अब यही कुछ बातें हैं जो 2023 में होती रही हैं या इससे पहले होती रही हैं, आज भी वही बातें, दिल जला हुआ होता है तो यार क्या कहें, हमारे पास कहने के लिए यार किस तरीके से नहीं है। शहजाद भाई बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया, यही कुछ मामलात हैं, मैंने आपसे गुज़िश्ता रोज भी कहा कि हमारे लिए तो सिर्फ कैलेंडर की तारीख जो है वो तब्दील हुई है, मामला जो कहते हैं, ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक के बाद दूसरे सेगमेंट को आगाज करेंगे, आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग कराची।